लूट के एक मामले में भिंड जिले के गोहद में सर्राफा व्यापारी को एंडोरी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कस्बे के व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। व्यापारियों ने गोहद थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस और व्यापारियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद एसडीओपी ने व्यापारियों को मुश्किल से रोका। व्यापारियों ने अपने साथी व्यापारी को पुलिस हिरासत से छोड़ने और एंडोरी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए गोहद का बाजार बंद कर दिया और शहर की सड़कों पर काले झंडे लेकर नारेबाजी करते रहे। दरअसल एंडोरी थाना इलाके में 5 दिन पहले लूट की वारदात हुई थी। एंडोरी थाना प्रभारी शैलेंद्र तोमर ने लूट के मामले में संदिग्ध बदमाशों को पकड़कर पूछताछ शुरू की। बदमाशों ने लूट की वारदात को कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने लूट का माल गोहद के सर्राफा व्यापारी नरेश सिंघई और अमित सिंघई को बेचा है। इसी मामले में दोनों व्यापारियों को पूछताछ करने के उद्देश्य से एंडोरी थाना प्रभारी ने आज सुबह गोहद में सर्राफा व्यापारी नरेश और अमित के घर दबिश देकर उन्हें हिरासत में ले लिया। जैसे ही ये खबर गोहद के व्यापारियों को लगी तो सभी व्यापारी एकजुट होकर गोहद थाने पहुंच गए। यहां एंडोरी थाना प्रभारी शैलेंद्र तोमर को देखकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारी आक्रोशित होकर पुलिस पर नाराजगी जाहिर करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस और व्यापारियों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करते हुए दोनों तरह के लोगों को दूर किया। इसके बाद आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद करते हुए काले झंडे निकालकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों की मांग है कि पकड़े गए दोनों व्यापारियों को छोड़ा जाए और एंडोरी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। एसडीओपी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। व्यापारी को अभी अभिरक्षा में लिया है और उसको मतलब एक लूट का प्रकरण एंडोरी का, उसमें थाना प्रभारी के द्वारा मतलब जो उसका सस्पेक्टेड है उसने कोई एक व्यक्ति को चिन्हित किया है जो सर्राफा में काम करते हैं और उन्हें जो है अभी अभिरक्षा में लिया, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और थाना प्रभारी के अगेंस्ट भी कुछ पब्लिक के लोगों के द्वारा कहना है कि हमारे साथ बदतमीजी की गई है, तो हमने उनको बताया है कि आपकी बात भी सुनी जाएगी, एक आवेदन पत्र दें, उनका जिनको मारपीट हुई है जिनके साथ बदतमीजी की है उसका मेडिकल कराएंगे और उसका विधिसंगत जो भी होगा कार्यवाही। गोहद से सतीश अग्रवाल की रिपोर्ट।